हेलो फैंस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टच एंड होल्ड विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट के बारे में, जैसे कि मैं सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फैंस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैन जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है टच एंड होल्ड विद थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए थ्री फिंगर से हम यहाँ पर टच करके रखेंगे और जैसे ही हम टच करके रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से हम स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देखिए और जितना आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं उतना आप स्क्रीन शॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कलर वगैरह भी है, तो कलर वगैरह को भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कलर कर सकते हैं। और यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।